अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से मेरे चैनल पॉम्पिस ड्रीम्स में आपका सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे रहना, हेल्दी रहना एंड एनर्जी के साथ रहना, और मेरे चैनल में एकदम सबको दिल से स्वागत है। तो आज एक नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिल रही हूँ, और सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी पीऊँगी चाय जो मेरा फेवरेट है, पानी भरा, सुबह का काम जैसा रहता है मैं कर ली, और अभी चाय पीने के बाद बाकी काम शुरू होगा। गुड्डू अभी उठी नहीं है क्योंकि सैटरडे है तो थोड़ा सा लेट उठती है, और रात भर पढ़ना पड़ती है तो थोड़ा सा सुबह लेट ही उठाती हूँ मैं। तो चलो पहले चाय से शुरुआत किया जाए, तो ब्लैक टी पी लेती हूँ। और आज मैं सुबह सुबह काम कर रही थी तो गर्म पानी भी नहीं पिया, पानी भरने लगा तो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। आज नीचे बैठ के चाय पी रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। फैन बंद करके बात करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा, और वही गर्मी में तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता। गर्मी में मतलब फैन बंद ही करना पड़ेगा। ठंडी में क्या होता था, बात करो तो फैन का कोई जरूरत ही नहीं होता, फैन चले चाहे ना चले फैन का कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। अभी फैन का वैल्यू सब देंगे, है ना, फैन का वैल्यू इतना देंगे ऊपर देखेंगे, अरे फैन चलाओ आते आते कहीं से भी। और कुछ दिन दो तीन महीना फैन रेस्ट पे था, इधर नहीं था, काफी जगह पे था। मेरा तो एक दो दिन चला था, मतलब सुबह नहीं तो रात को तो चला के सोना पड़ता था, लेकिन किसी किसी जगह पे तो बिल्कुल फैन को कोई याद नहीं किया, लेकिन हम लोग बहुत याद किया क्योंकि इधर का सीजन ऐसा है फैन चलाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम चलाई। और अभी मतलब जब भी बैठो पहले घर कहीं से आने के बाद पहले फैन चलाओ, पानी बाद में पूछा जाएगा, पहले फैन चलाना जाए, फैन चलाने के लिए बोला जाएगा जी पहले फैन चलाओ उसके बाद पानी देना। तो चलो चाय पी लेती हूँ। काम करके आ गई, खाना बना लूँ, उसके बाद अधूरा काम पूरा करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया खाना बनाने का। तो खाना बनाने के बाद वो सब काम में लगूंगी। आधा निकल के रखी, फिर बहुत सारा कपड़ा था धो के डाल के, फिर मैं बोला नहीं अभी वो काम थोड़ा सा पेंडिंग रखूँ, पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद वो काम पे लगेंगे। और अभी खाना में बनाना है पनीर जीरा राइस। आज पनीर टिक्का मसाला बनाने का मन है, अभी देखती हूँ हो जाएगा तो बना देंगे, नहीं तो फिर आराम से बनाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा। कल गुड्डू को बोली थी आज बना के देंगे, तो पनीर टिक्का मसाला बनाऊंगी और जीरा राइस। और पनीर टिक्का मसाला बनाने में जो जो चाहिए, पहले पनीर को मैं मैरिनेट करके रखेंगे। इधर ले लिया 2 स्पून बेसन, इसमें मैं मसाला ऐड करते जाएंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली, और अभी इसमें अदरक, जीरा, हरी मिर्च पेस्ट, लहसुन भी है इसमें, 3 स्पून डाला मैं, और अभी डालेंगे दही। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे, अभी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और चीनी। अभी मैं इसमें पनीर और क्यूब करके कटा हुआ ऑनियन ऐड करके आधा घंटा के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और ये है मेरा माइक्रोवेव का स्टैंड, अभी इसके ऊपर मैं कबाब के जैसा फ्राई करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल ब्रश करते जाएंगे।
अभी मैं क्या बोले टिक्का मसाला बनाना है, अभी मैं मसाला बनाऊंगी। और इधर मेरा पूरा अच्छे से टिक्का पक गया एकदम बहुत टेस्टी। और अभी इसमें ऐड करेंगे तेजपत्ता और अभी ऐड करेंगे वाली कसूरी मेथी, फिर मसाला डाल देंगे। मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और जब अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएगा, जो मैं मैरिनेट करके मसाला बाकी था इसको भी मैं भी ऐड करके फ्राई करेंगे। और पूरा अच्छे से मसाला फ्राई हो रहा है एकदम, देखो ऑयल छोड़ दिया चारों तरफ से। अभी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चीनी और अभी मैं एक ग्रेवी में ये टिक्का में इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहिए तो कढ़ाई में भी टिक्का बना सकते हो तवे में, मेरे पास है बोल के मैं इसमें बना ली। और ये देखिए बनके तैयार मेरा कढ़ाई टिक्का पनीर मसाला एकदम। कितना बड़ा नाम है जितना बड़ा मेरा नाम है, मैं दिया हुआ नाम। आज मुझे पूरा दोपहर सोने नहीं दिया ना, खुद सोया बका पका और मुझे इतना हंसा रही है। मेरा काम अधूरा छोड़ के खाना वाना बनाई खा ली, अभी मैं ये सब साफ करेंगे। हम दोनों बहुत मस्ती में क्योंकि ये देखो क्यों कर रही हूँ पता है, कॉकरोच का डर से। मैं क्यों इतना साफ रखती हूँ किचन, क्योंकि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, मुझसे भी ज्यादा गुड्डू को बहुत डरती है। तो बीच बीच में मैं पूरा हटा के एक बार अच्छे से पोंछ के फिर दोबारा सामान रखती हूँ। तो कभी कर लेती हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। आज बोल रही हूँ नहीं, आज थोड़ा दिखा देता है, देखो हालत कैसा है। तब करने गई थी ना तो फटाफट ऐसे ही घुसा दिया। और इसमें थोड़ा सा सर्फ ली हूँ। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle, web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes, show off your fantasy reality, whoa. रेडी हो गई, अभी रेडी होके वॉकिंग जाऊंगी। रेडी हो गई है, अभी पूरा साफ करके अच्छे से हाथ मुंह धो के पूरा किचन क्लीन हो गया एकदम अच्छे से। फिर गुड्डू को जूस बना के दी, अभी जाऊंगी वॉकिंग। वॉकिंग करके आने के बाद चाय पियेंगे, तो बाकी तो काम लगभग हो गया, तो चलो वॉकिंग करके आते हैं। साफ सफाई करके किचन साफ करके सब्जी लाई थी, थोड़ा सा कटहल जैक फ्रूट, रॉ जैक फ्रूट लाई थी, कल सब्जी बनाऊंगी। और थोड़ा सा मैंगो, नया नया सब्जी लाई आज, परवल मैंगो और जैक फ्रूट, तो सब धो के रखी। और अंडा लेके आई थी, अंडा ख़त्म हो गया था। और मैं फ्रिज में अंडा रखती हूँ ना, तो धो के ही रखती हूँ, ऐसे बोलता है डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए छिलका कच्चा वाला अंडा ऐसे, लेकिन गर्मी इतना है रखूँगी ना बाहर तो ख़राब हो जाएगा। हादसा बोलो हादसा। हाँ हादसा और क्या बोलूँ, दिखाने से अच्छा होता है। एक अंडा फर्स्ट लेके जाते जाते मतलब धो के टोकरी में रखी लेके जा रही थी, तो तब ना ऐसे गिर गया, तो मैं कैच किया, चलो कैच किया, फिर दोबारा रख दिया अच्छे से फ्रिज में, फ्रिज बंद कर दिया। फिर मैं इधर आके दूध लेके, दूध रखने जा रही थी फ्रिज में, दूध फ्रिज में रखा, फिर
जब फ्रिज का दरवाजा खोला, दूध रखा, उसके बाद ठस करके गिर गया अंडा पूरा एकदम अंडा पूरा चारों तरफ फैल गया। एक अंडा गिरा, एक ही गिरा, लेकिन गिर ही गया। कैच करते करते मैं बचा नहीं पाई, तो फिर साफ सफाई किया। इतना उसका स्मेल आता है ना कच्चा वाला, तो सब साफ करके अभी बैठी हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो एक दिल से लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे से रहना, हमेशा हंसते रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।